उन्होंने तोड़ भन्न की करके तो घर नूं अग लाती है लड़की के परिवार ने। इन्हां तस्वीरां विच तहस नहस होया समान ते विच ही जलिया होया ए मोटरसाइकल जिस ते बैठ के शायद मुंडा कुड़ी नाल मुलाकात करन जांदा होवेगा, पर आखिरकार मुंडे अते कुड़ी ने प्यार दे विच अजिहा की कीता कि उसका भयानक खमियाजा परिवार नूं भुगतना पिया। दरअसल मामला फिरोजपुर के पिंड बदनी सिंह वाला दा है, जिथे इस मुंडे का नाम महिंद्रपाल सिंह अते कुड़ी का नाम वीरपाल कौर है, जिन्हां दा अजे कुछ समा पहला ही व्याह होया सी। जिथे व्याह नूं लै के इन्हां दे चेहरियां ते रौनकां होणियां सी, उत्थे मौके दे हालातां ने इन्हां दे चेहरियां दीआं रौनकां फिक्कियां कर दित्तियां। दस दिए कि जदों घरदियां तों बाहर हो के कुड़ी मुंडे वल्लों कोर्ट मैरिज करवाई गई, तां जदों उन्हां ने घर पहुँच के पूरा सीन देखिया तां देख के उन्हां दे होश ही उड़ गए। पर उस वेले इस मामले दे विच नवा मोड़ आ गया जो इस जोड़े नूं यह पता लग्या कि उन्हां दे घर नूं अग ला के फूकण वाला व्यक्ति कोई होर नहीं सी बल्कि उन्हां दे अपने ही निकले। जरा तुसी भी सुनो मुंडा कुड़ी ते उसके परिवार वालों का की कहना है। महिंद्रपाल सिंह कित्थों रहण वाले सी? पिंड बदनी जमन सिंह। लड़की लैके गए ओदी सहमति नाल लैके की कर? हां जी हां जी सहमति नहीं सी। सहमति नाल तुसी की कराया हुण? कोर्ट मैरिज कराई है। वो यही है सर, उदा नाक लेंदे जो उन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया है, तो जो कुछ भी सानू ना उन्होंने अग लाई है साडा समान सानू वापस मिलना चाहिए। कानूनी कार्रवाई दी की मांग करदे? हाँ उन्होंने कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। मेरा नाम वीरपाल कौर। कित्थों दे रहण वाले? बदनी जैमल सिंह। ये मैं बिल्कुल अपनी मर्जी नाल फैसला लिया वा, अपनी मर्जी नाल। किन्नी देर हो गई तुसी इहनां नूं? दो साल तो जानदे आ। दो साल तो? हाँ जी हाँ जी। अग लाई केड़ी कुड़ी सी? वह कुड़ी चल के घर आ गई, सानू कोई पता नहीं हो जी कुड़ी आई है कि नहीं, तो कुड़ी का मुंडा हो गया फरार। तो इन्होंने जो माँ बाप साढ़े को सू उदों पता लगा, तो उस तो बाद मुंडे चंडीगढ़ जा पहुँचे, दोनों कुड़ी मुंडा चंडीगढ़ जा पहुँचे। इन्हों फेरे सब कुछ हो गया सी जो चंडीगढ़ ये आए हैं मुड़ के, तो ये लुधियाने आ गए जी। जो सू फोन आ गया जी तुहाडे घर नूं अग ला दी है। इन्होंने पहला कुड़ी भी इत्थों दी सी पिंड दी, तो कुड़ी दी माँ ने चाचे ताया ने रल के जी साडे घर नूं अग लाई है। गुआंढ तो ही कुड़ी? कुड़ी पिंडों सी ते इहदे चाचे ताए गुआंढ च भी है। तुहाडे वड्डे ने की भजा कोड़ करी ते? हाँ जी हाँ जी। की कराए इन्हां ने? वह तो नहीं मैनू कहना हुंदा, इन्हां ने वैसे पहला गुरद्वारे च फिर वकील दे कोल गए, उत्थे इन्हां दी शादी होई है हाई कोर्ट च। तो उस तो बाद जो हाई कोर्ट च इन्हां दी शादी हुंदी है, ये मुड़ के पिछे नूं आए है, तो जो लुधियाने आए तो इन्हों फोन आया जी तुहाडे घर, उन्होंने तोड़ भन्न की करके तो घर नूं अग ला दित्ती है लड़की के परिवार ने। असी अंबरसर सी। पिंड बदनी जैम सिंह। की होया सी जिहड़े तुहाडे घर दे विच अग लगाई की? की कारण सी? ये भरा सीगा जी मेरा छोटा, वह कुड़ी आ गई, वह कितें प्यार करदे सी इक दूजे नूं, तो कुड़ी आ गई घरे आ गई, बस सानूं नहीं पता भी ये उठ के ये भी गया चलिया। इतों की पिंड की सी, पिंड बदनी जम सिंह नहीं पिंड दे विच परे, तो बाद विच वह गए चले आई, तो दो बजे पुलिस भी आई है, तो उदू बाद पहला कहिंदे सी भी असीं आ जाँगे, तो बाद विच डरदे मारे आए नहीं, भी इन्होंने पुलिस कुड़ी वाले ने सद ली सी ना, भी वह डरदे आए नहीं भी कि पुलिस सानू हुण फड़ूगी। हाँ जी कोर्ट मैरिज करवाई है। कोई 12-13 जी ला लो जी, अक्सर छत भी पाटी है नाल। सिलेंडर फड़िया जी। खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजन पुत्र तरसेम वासी बदनी जैम सिंह के बयान से असी मुकदमा दर्ज किया है। कल मिति 20/6/21 ABC 436 राजन का
छोटा भरा महेंद्रपाल सिंह अपने पिंड की लड़की वीरपाल कौर को प्यार करता सी। दोवें बालक से, इन्होंने आप च शादी करा ली सी। वीरपाल कौर के घर वाले इस गल तो ना खुश सी। राजन पुत्र महेंद्रपाल ने कल अपने बयान से इन्हों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। किन्या दे मुकदमा दर्ज किया? चार दोषियों से मुकदमा दर्ज है। ये दोषी फड़े गए या फरार? दोषियों की भाल जा रही है, दोषी गिरफ्तार। घर के कितना नुकसान किया गया अग लगा के? काफ़ी नुकसान तो काफ़ी होया जी। चार कमरे से लेंटर लगा ही, उपर दो फ्रिजा, टेलीविजन, LCD, मोटरसाइकिल, घर का मंजे, बिस्तरे, होर भी काफ़ी समान सड़ के सुहा। फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural networked community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.